So hey, hello everyone and welcome back to my channel. I'm Anushka. For this video I'm going to share with you a vlog. So guys, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आई थिंक बोला था कि मैं डेली व्लॉग शुरू करूंगी, और इससे पहले भी बहुत मतलब पहले जब मैं वीडियोस डालती गई थी व्लॉग्स, तब भी मैंने बोला था कि मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी। फिर 3-4 दिन व्लॉग बनाने के बाद मुझसे नहीं हुआ एंड तो अभी सोच रही हूँ कि मैं व्लॉग्स बनाना शुरू कर दूँ, वरना मेरा डेली तो उस टाइप का वीडियो मतलब शूट नहीं होता है ना, मेकअप ये सब, तो मैं वो सब भी डालूंगी और डेली व्लॉग्स भी डालूंगी सोच रही हूँ। ओके, सो आज से शुरू कर दिया है, चलिए देखते हैं कितने दिनों तक मेरा डेली व्लॉग चलता है। तो आज है टाइगर का क्लीनिंग डे, बात डे कुछ भी बोल सकते हो। आज मैं उसको पूरा क्लीन करूंगी, अभी बंधा है फिलहाल, अभी नहीं छोड़ा है उसको, क्योंकि इतना ज़रा शैतानी नहीं करता है। अभी मैं उसके नेल को मैं थोड़ा सा वो करूंगी, अच्छा करूंगी, थोड़ा सा मतलब एक शेप दूंगी। पापा ने तो उसके नेल को कट कर किया ही था बहुत पहले, नहीं अभी आई थिंक 1 वीक हो गया है, 1 वीक उसके नेल को अच्छे से कट कर दिया था एक शेप में। और अगर आप डॉग को वॉक नहीं कराते हो तो उनके नेल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप उनको वॉक कराते हो तब पत्थर या फिर मिट्टी में ऐसे रगड़ जाता है ना, फिर उनके नेल्स नहीं बढ़ते। सो इसीलिए मैं टाइगर को मतलब रात को या फिर कभी मतलब बाहर नहीं जाने देता, बाहर जाता तो ये उसको मैं बांध के ले जाता हूँ। ये क्या करता है, कोई डॉग अगर पीछे की तरफ बड़ा डॉग जा रहा होता है वो भौंकता है फिर भागता है, किसी तरह मतलब उसको पकड़ लिया तो मतलब ये बहुत ज़्यादा वो है। अभी मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं उसके नील्स को कुछ करूँगी, उसको पता चलता है, वो टच तक नहीं करने देता, इतना ज़्यादा गंदा बच्चा है। ओके, सो हियर इज आवर टाइगर जो कि अभी बंदा है ना। अगर गर्मी कैसे हो रखी है अभी उस मेरे हाथों में ये है, उसको पता चल रहा है और वो उसके एक्सप्रेशन देखो। सो गाइस, मैं कैमरा ऑन करके नहीं कर सकती क्योंकि कैमरा रखने के लिए मैंने कुछ लाया नहीं है अभी, और ये बहुत ज़रा उछलता है कुत्ता है, बहुत ज़रा शैतान है। ओके, सो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। डन। सो गाइस, मेरा तो ये नहीं था कि उसके नेल्स को कट करो, जस्ट मैं उसको नेल्स को एक शेप दे रही थी गोल टाइप का, क्योंकि सामने की तरफ कुछ ऐसा हो जाता है तो वो मतलब क्या होता है, जब आपके ऊपर ऐसे मजाक में चढ़ता है तो उसके नाखूनों के दाग ना लगे, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। एंड जिस दिन उसको बात दे होता है कभी कभी ऐसे ही नहला देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और वहाँ पे जो बंधा है ना उसके थोड़ा आगे बांधती या फिर रात को छोड़ दूँ तो नाखूनों से वो मिट्टी वगैरह निकाल के खुद गंदा हो जाता है। और इसका ना एक बहुत ही ज़्यादा गंदा स्वभाव है, नहा के आने के बाद अगर इसको मैं मिट्टी की तरह बांधूँ तो मिट्टी के ऊपर जाके सो जाता है, पता नहीं क्यों, तो वही इसलिए इसको ऊपर बांधना पड़ता है। बस ये सब कुछ उसके कपड़े वगैरह डाल देती हूँ, उसके बाद इसके ऊपर वो खुद ही पहुँच लेता है वही। एंड अभी मैं उसको नहलाऊँगी थोड़ी देर बाद, मेरा ऑनलाइन क्लास भी ख़त्म हो गया है। सो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अभी मैंने टाइगर को जो खाना दिया वो है रोटी एंड दही। ये टाइगर का रूटीन मैं नहीं दिखाऊंगी प्रॉपर, बस ये व्लॉग है, तो आज मैं थोड़ा सा टाइगर के साथ ही अच्छे से लगी हूँ कि उसको साफ करना है इसलिए। एंड अभी मैं उसको नहलाऊंगी, खाना खा लिया है। अगर आप लोगों को टाइगर का रूटीन देखना है तो आप लोग मेरे यूट्यूब पे आप लोगों को मिल जाएगा वो वीडियो। एंड वही एक ब्लॉग टाइप का ही मैंने बनाया था, बट उसमें टाइगर का प्रॉपर रूटीन एकदम अच्छे से दिखाया था। एंड वही, सो मैं डेली व्लॉग्स बना रही हूँ तो मैं कभी एक दिन एक महीने में या फिर एक 1 वीक में मतलब टाइगर को साफ करने में लग जाती हूँ, सो इसलिए। एंड आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो अभी मैं टाइगर को ले जाऊँगी और नहलाऊंगी अच्छे से रगड़ रगड़ के। सो गाइस, अभी दीदी और मैं बना रहे हैं मिल्क शेक। दीदी का इंजेक्शन लेने के वजह से परसों लिया था आई थिंक, तो इसलिए वो मतलब हाथों को ऐसे हिल ज्यादा नहीं कर पा रही, और आप लोगों ने अगर लिया है तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा कि क्या हुआ है। बट मैं तो 18 से कम एज की हूँ, सो मुझको नहीं लगा वैक्सीन,
ओके सो अभी वही एंड अभी मैं बना रही हूँ फिलहाल, वो मुझे बता रही है कि ऐसे ऐसे कर तू। और अभी यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क और थोड़ा सा पानी लिया है क्योंकि हमारा जो मिल्क है बहुत ज्यादा गाढ़ा है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा शुगर डाला है और मैंने ओके सो गाइस ये मिल्क शेक रेडी है, बाकी का तो दीदी ने ही कर दिया, मैं जस्ट स्टार्टिंग में वो किया, उसके बाद मैं चली गई ऑनलाइन क्लास था एंड वही। और इतना ज्यादा टेस्टी है ना, ऊपर में आइसक्रीम डाला है वेनिला और बाकी इसमें डाला है डार्क चॉकलेट, डार्क मतलब इतना भी डार्क चॉकलेट डाला है और थोड़ा सा कोको पाउडर, ओवरलोडेड टेस्टी। कल मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने लिया था कोरोना का वैक्सीन, उसके बाद पूरा दिन दोनों गिरे पड़े हैं, पूरी काम वगैरह सब कुछ मैंने किया है, बिल्कुल गलत बात है। अभी मैंने कुछ करने का स्टार्ट किया, बोल आरो मोर दिबले आसे, मैं क्या मांग दी, आई मोर कुकुर पेडिग्री दिबो आसे, मैं माने गोरुनी सबुके खाना खुआई थकू, मैं निजे खाबले पा हो जा। ओके सो गाइस देखा सुन सेवे, सो गाइस मैंने बनाया था शाम के लिए सवैया, जिसमें मैंने चॉकलेट और कॉन्डेंस मिल्क वगैरह डाल, कॉन्डेंस मिल्क कॉन्डेक्स ये बनाया, रुको मुझे सर्व करने दो, मुझे इतना पसंद नहीं है बट बनाना पसंद है ये चीज क्योंकि बहुत पता देखो नहीं लो मैं डेजर पे लो लो पापा लो वन मिनट आई हैड एन आइडिया माय गॉश मेरी मम्मी भी बुखार थी और दीदी को भी बुखार हो गया था, कोरोना का बुखार नहीं है, वैक्सीन लेने के बाद बहुत लोगों को हुआ ही है। सो गाइस अभी हो गई है रात और अभी मैं सोऊंगी और ऐसे मैं डेली व्लॉग्स हमेशा लाने की कोशिश करूंगी, और कभी अगर ब्रेक भी ले लिया तो समझ लेना कि अनुष्का भूल गई या फिर कोई परेशानी आ गई है डेली व्लॉग्स बनाने में, और मैं स्पेशल वीडियो गाइस मैं ऐसे वीडियोस और लाती रहूंगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए। सो वही सो गाइस मैं जिस दिन स्पेशल वीडियो डालूंगी उस दिन मैं व्लॉग नहीं डालूंगी, और वही सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लव यू क्यूटी पाइज, बाय बाय, सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच गाइस मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा फोटोशूट ब्लॉग नहीं देखा तो जल्दी जल्दी जाकर मेरे चैनल पर देख लेना, और अगर मेरे फोटोज़ भी देखना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।